हे गाइस नमस्ते सलाम सत श्री अकाल गेम चुदा। मैंने सोचा बड़े दिन से हमने भाई बैटल नहीं करा हुआ है, ठीक है। बहुत लोग बोलो वर्ल्डी के बैटल लेना, ऑफ कोर्स मैं लाऊंगा गाइस। पहले मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कि मैं मतलब मेरा जो टीम में जो मूव्स है मैं उसको यूज़ कर भी पा रहा हूँ या नहीं। तो मैंने सोच रहा था कि सिम बैटल में आजकल बड़े अच्छे अच्छे पोकेमॉन्स, बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स जो है ना आ चुके हुए हैं, सो उन सब से मैं बैटल करके देखता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 6 लाख से ऊपर का पावर था इस बंदे का एंड सारे के सारे 4000 थे, ठीक है इसके। तो मैं सोच रहा था कि इससे भाई बैटल करके कैसा मतलब होगा बैटल, सोच रहा था, ठीक है। तो मैंने आ गया यहाँ पे फाइट करने। ऑलराइट, पहला वाला तो भाई इजीली यहाँ पे मैं जीत रहा हूँ क्योंकि यार ऑफकोर्स इसको वाटर इम्पैक्ट वाटर मूव काम नहीं करेगा मेरे ग्राउडन के ऊपर। ऑलराइट, अब यहाँ पे भाई तरीके तो जल्दी हो गया, ग्राउडन का स्पीड भी ज़्यादा निकला इसके 4000 से, आई कैन बिलीव, क्योंकि मेरे 5.5 लाख पावर है उससे ज़्यादा, क्योंकि मैं 3-4 महीने से जो है मैं ऑफलाइन था, मैं खेल नहीं रहा था एक्चुअली गाइस, इसलिए इतना कम पावर है। ऑफ कोर्स अब मैं थोड़ा इंक्रीज करूँगा। अब मैं सोच रहा था कि मैं जल्दी से जल्दी भाई कोशिश कर रहा हूँ कि तुम लोग के लिए ना पेमेंट ऑप्शन लाने की कोशिश करूँ, ठीक है, कोई तरीका ढूँढूँ, क्योंकि यार बहुत लोग परेशान हैं कि कैसे परचेस करते हैं यार कुछ। ऑफ कोर्स यार पेपल चाहिए तुमको या डेबिट या क्रेडिट कार्ड, वो भी वो डेबिट या क्रेडिट कार्ड चाहिए जो तुम्हारा इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जिस पे ऑन हो, अदरवाइज़ वो काम ही नहीं करेगा। मैंने चेक कर लिया टोटली, तो मैं जल्दी कोशिश कर रहा हूँ लाने की। ऑलराइट गाइस, उस वाले से तो बहुत इजीली हम लोग जीत गए क्योंकि ऑफ कोर्स यार रियल बैटल तो नहीं थी, लेकिन हाँ मज़ा ज़रूर है। लेकिन हाँ भाई, इस वाला ये वाला जो बैटल होने वाला ये रियल तक ही हो सकता है क्योंकि इसका 7.5 लाख भाई पावर है लिटरली, और एवरी पोकेमॉन हैज़ 1 लाख पावर, तो मज़ा आएगा इस वाले भाई बंदे से फाइट करके। तो देखते हैं, ऐसा नहीं कि हो कि मेरा बैटल डाटा इलीगल हो जाए, क्योंकि मेरा शायद मैंने पावर 5 लाख कर रखा होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई मीन वो टीम जो रखते हैं ना हम लोग शो करने के लिए, वो तो बैटल डाटा इलीगल नहीं हो। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल उसका भाई आता है म्यूटू। गाइस लास्ट वाला जो फाइट है ना वो जरूर देख कर जाना, वो अल्टीमेट फाइट होने वाला, बहुत मज़ा आता है ये वाला फाइट में। ऑलराइट, उसने पोकेमॉन स्विच किया एंड ओ तेरी, चलो अच्छा वो बर्न हो गया क्योंकि यार ये बहुत परेशान करता है इसका लेफ्ट ओवर। बस जा और एक बार हो जा, ख़त्म गेम है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा आराम से मैंने इसका जो है पोकेमॉन सॉल्व के लिए ले लिया। उत्तरी ये आगे है, इसका वाटर इंपैक्ट मेरे पे काम पे तो आएगा नहीं, इसलिए मैं थोड़ा पहले स्लो कर देता हूँ, उसके बाद पोकेमॉन चेंज करते हैं। कौन सा पोकेमॉन यूज़ करूँ? देखो भाई ऐसा है कि मैं ना इसको जल्दी मार पाऊँगा ना वो मुझे मार ही पाएगा, ठीक है। तो दूसरा पोकेमॉन चेंज करके देखते हैं होता है क्या। रायस्टर लाता हूँ मैं अपना एंड वाटर इंपैक्ट का डेंजरस दिया। एक काम करते हैं, पहले इस पर एक हिट दे ही देते हैं, नहीं छोड़ो नॉक ऑफ नहीं दे ही देते हैं। अबे चेंज कर लिया इसने यार, जी मूव मेरा वेस्ट हो गया। ओ भाई अल्टीमेट यूजर डूड, इसका अटैक ना लाजवाब है लिटरली, मुझे 1 हिट किल कर सकता है, अगर मैं इसको नहीं मारा तो मेरा बैंड बचा देगा। अभी देखो कन्फ्यूजन है, ठीक है ना, कब कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा ठीक नहीं। मैं सोच रहा हूँ उसकी किसी तरह इसको मार दूँ, ठीक है, लेकिन भाई चलो ठीक है, मेरा अटैक इस पर तो विलो इस पर मैंने दे दिया, दो अटैक उसने कर दिया, मतलब स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छा है यार उसका। ओ तुरी अभी एक बार में हिला दिया, क्या बात है, उम्मीद नहीं था सच में एक बार में मार देगा। ऑसम भाई ऑसम, अल्टीमेट का भाई फायदा ऑफ कोर्स। ऑल राइट, इसने पोकेमॉन स्विच किया अगेन, अरे यार ये फिर से वापस इसे पोकेमॉन के लिए आया। मैं छोड़ो चेंज करता हूँ, यहाँ पे किसको ले आया, इसी को ले आता हूँ, डाकराय। वैसे मेरा डाकराय यार अभी भी इतना भी मतलब स्पेशल अटैकर है ऑफ कोर्स, लेकिन यहाँ पे अटैक तो उतना पड़ेगा ही रिमूव का। अरे यार वेस्ट करवा दिया इसने, वो तो ऐसे भी मर ही रहा था। अरे भाई साहब, चलो ठीक है नेक्स्ट वाले में देखते हैं। एक काम करते भाई, ये तो काम आएगा नहीं इसके ऊपर, पूरा इंसोमेनिया होगा उसके ऊपर। जिनॉक्स ले आता हूँ मैं, जिनॉक्स तो यहाँ पर ज़्यादा, शेयर गोल्ड के लिए मैं लेके आया हूँ, ठीक है गाइस। भाई एक्चुअली मैं भूल गया कि शेयर गोल्ड फ्यूचर कब काम आता है, सच में मैं भूल गया, क्योंकि शायद लो लेवल होने पे तुम्हारा उसको हिट नहीं होता है, थिंक मुझे याद नहीं आ रहा, मैं पूरा कन्फ्यूज था। देन ऑल्सो मैं ट्राई कर रहा था कि कहीं लग जाए, क्योंकि यार ऑफ कोर्स पहले हम लोग बहुत यूज़ करते थे, मैं यूज़ करता था मास्टर लीग में एंड वर्ल्ड लीग में भी ज़्यादातर शेयर गोल्ड एंड फ्यूजर, लेकिन अब जो है भूल गया हूँ कि कब ज़्यादातर काम आता है। बताना ज़रूर तुम लोग, लो लेवल पे होने पे लगता है या फिर हाई लेवल पे होने पे या फिर सेम लेवल व्हाटएवर, ज़रूर बताना। ऑलराइट, मैं यहाँ सोच रहा था ना कि किसी तरह इसको मेटल बस से थोड़ा सा इसको डैमेज कर दूँ, उसके बाद इस पर वाटर इंपैक्ट मार के ख़त्म करूँगा, लेकिन भाई ये फिराक में नहीं है मुझे मारने के, ठीक है। पहले तो भाई ये लिटरली थोड़ा कम कर रहा है मेरा HP। ऑलराइट, इसको मैं कोशिश करता हूँ जी मूव से। अरे वाह, ले वाटर इंपैक्ट से इतना अच्छा पड़ गया,
ठीक है मैं इसको ज़िमोब से ही ख़त्म करता हूँ, इससे मेरा अटैक भी बढ़ जाएगा, आने वाला भी जो पोकेमॉन होगा उसके ऊपर अच्छा खासा अटैक पड़ने वाला है। ओ तेरी आया अल्टीमेट, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्विफ्ट, अभी यार नाइट स्लैश से फ्लिंच, हाँ हो तो होता है वो मैं जानता हूँ, लेकिन ये अबे फिर से फ्लिंच, यार मेरा अटैक क्यों नहीं पड़ रहा? ओ अच्छा इसका एबिलिटी के कारण क्या? अरे भाई मैं भूल गया था, लिटरली बहुत सारे चीज़ें मैं भूल चुका हूँ। कोई बात नहीं भाई, आस्ते आस्ते याद आ रहा सब चीज़। भाई मुझे भी अल्टीमेट चाहिए भाई किसी की, मतलब मैं भाड़ में क्या मेहनत वहनत, सब लोग बाई कर रहे हैं मैं भी बाई करूँगा। मुझे किसी तरीके से भाई कोई पेमेंट ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, मेरा पेपल अकाउंट नहीं बन पा रहा एक्चुअली। मैं मतलब पहला जो था ना वो डिक्लाइन हो रहा है कार्ड, क्योंकि वो अब इंटरनेशनल पेमेंट के लिए भाई एलिजिबल नहीं है, तो मुझे अपने कार्ड को ना रिफ्रेश वो क्या बोलते उसको स्विच कराना पड़ेगा वीज़ा कार्ड पे। तो मैं जल्दी से जल्दी करके वो करने की कोशिश करता हूँ और कोई ऑप्शन निकालता हूँ कि तुम लोग भी परचेस कर सको गेम में। बहुत सारे लोग जो है वो करना चाहते लेकिन कर नहीं पा रहे। ऑलराइट तो भाई उसने तो सही नहीं किया, मेरा ग्राउंड ऑन यहाँ पर सब बदला लेंगा। भाग गया अबे यार, ये दोनों आपस से आड़ा टेढ़ा कैसे होगा ये गेम काम करते। थोड़ा सा मैं स्वॉर्ड डांस करता हूँ, ये मुझे मार तो वैसे भी नहीं पाएगा, इसे किसी तरह मारना ही पड़ेगा अदरवाइज ये मुझे छोड़ने वाला नहीं है। ऑलराइट लास्ट वाला अटैक मैंने अप किया एंड जस्ट इसको अब टप कर देगा। अरे मरा नहीं भाई, इतना कम है क्या ग्रोडन तेरा अटैक? ऐसी बात नहीं है भाई, ग्रोडन का अटैक बहुत अच्छा है मेरा। देन ऑल्सो यहाँ पे थोड़ा सा बेचारा वो होता है कभी कभी बेचारे का कम हो जाता है अटैक, क्रिटिकल हिट पड़ने से अच्छा होता है। अबे ये क्या हो गया यार, मैं तो आँख बंद किया खोला टपका दिया इसको। ऑलराइट गाइस यहाँ निकालता हूँ मैं अपना नाइटमेयर एंड लेट्स सी। मैं सोचा था ना इसको पहले जी मूव तो मैंने यूज़ कर ही लिया। अरे यार कितना अटैक है इसका, अटैक बोल रहा सॉरी स्पीड, मेरे वाले डाकरा से भी ज़्यादा स्पीड है और इसका बढ़ते रहता है ना। चलो सही है भाई, मर तो गया, मुझे पता था मरेगा ही। ऑलराइट स्लिप टॉक मैं यहाँ पर यूज़ कर लिया, पहले मुझे लगा था डार्क वर्ड यूज़ कर, लेकिन भाई देखो ना चला कितना है, टॉन्ट यूज़ किया उसने पहले। ऑलराइट डार्क वर्ड अच्छा हुआ मिस हुआ, नहीं तो यहाँ पर मेरा बैट अबे बैटल डाटे लेकर ऑफकोर्स यार वो 7.5 लाख पावर है, मेरा शायद 5 लाख की कितना होगा, 3.5 लाख था गाइज। मैंने अपने पोकेमॉन सारे जो मेन वाले थे अंदर रखे थे और बाहर और जो छोटे मोटे थे उसको बाहर निकाल के रखे थे, इसलिए बैटल लड़ाई लीगल हो गया। और गाइज इसके पास देख रहे हो क्या मस्त मस्त पोकेमॉन है भाई, ग्रीन ग्राउंडन भी है, क्या झक्का से यार। ये ग्राउंडन तो है ही, इसका ये ग्राउंडन आई थिंक टीम में होगा, बाकी सब इसने भाई खरीद खरीद के रखे हुए हैं। भाई साहब भारत देश का बंदा है बे, इसके लिए ₹1 हम लोग के लिए $1 हमारे लिए ₹1 जैसे होता है वैसे उन लोग के लिए क्या बात है यार, फ़ायदा उठाते हैं भाई ये लोग अच्छे खासे। चलो ठीक है इन सबको हटाते हैं, ठीक है क्योंकि यार उसके मेन टीम नहीं है, ठीक है। तो मैं सोचा था सिर्फ एक पोकेमॉन से लड़ते हैं, तो भाई मुझे सिर्फ डर इसी बात से है कि उसका जो मेन ग्राउंडन है वो आना चाहिए, वो आए तो मतलब मैं कोई ऐसे सिचुएशन में ना रहूं जो मेरा HP लो हो। मैं किसी तरह कोशिश करता हूँ सारे पोकेमॉन से इसको मार के ग्राउंडन तक पहुँच के इसको भी मार दूँ अपने इसी म्यूटू से। तो पहले ज़िमूव यूज़ करता हूँ ताकि अटैक बढ़ जाए एंड ये ख़त्म हो जाए जितनी जल्दी हो सके, अदरवाइज ये बहुत प्रॉब्लम होता है। मैं नॉक ऑफ यूज़ करता हूँ यार क्योंकि परेशान कर रहा था। ऑलराइट ये तो कुछ बेचा, मेरा तो अटैक वगैरह सब लो जा रहा है, बिलो विस्प मैंने मारा थोड़ा, पहले अटैक कम हो जाए उसका। अबे यार कन्फ्यूज़न, यार ये कन्फ्यूज़न अटैक इस पर भी आ गया भाई, ये कन्फ्यूज अटैक बहुत फालतू चीज़ है यार, बहुत फ्लिंच हो गया कन्फ्यूज हो गया बहुत फालतू लगता है। ऑलराइट चलो एक मौका मिला है इसको मैं टपकाने की कोशिश करता हूँ ये। अबे यार मरा क्यों नहीं, चलो मर गया, फिर भी मैं कन्फ्यूज में हूँ गाइस। अरे पाप रे आ ही गया, देख रहे हो मैं यही सिचुएशन की कामना ना कर रहा था लेकिन आ ही गया ये सिचुएशन। ऑलराइट लेट्स सी क्या कर पाते हैं। ओ तेरी कन्फ्यूजन, बढ़िया 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 भाई बढ़िया, एक और हिट दे दे मेरे को मारने को। अबे नॉक ऑफ में इतना कम ही HP है उसका, अरे नहीं यार आराम से जीत सकता था मैं। ऑलराइट गाइस मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, दूसरा पोकेमॉन निकालूंगा, एक ही पोकेमॉन लेके जाऊंगा लेकिन ज़रूर मारूंगा। रुको मैं निकालता हूँ अपना गोजो को, रुको वो कभी हारेगा नहीं, रुको ये रहा। ऑलराइट आजा गोजो फाड़ते हैं सबको। अरे गोजो का एक अटैक था ना डायमेंशन एक्सपेंशन, वही यूज़ करने वाला हूँ मैं, ठीक है। ऑलराइट पहले मैं वाटर इम्पैक्ट नहीं मारूंगा, रुको इसे वाटर इम्पैक्ट से ख़त्म हो जा रही है। अब कौन आया, अच्छा इस पर मैं जीमो भी मारूंगा भाई, रुको पहले अटैक कर लेते एक
थोड़ा सा कम हो जाए HP, इसके बाद मारते हैं ताकि भाई 1 HP ना बचे ये। चलो हटाओ, ये हो गया गेम। ओ भाई आ गया ये डूड, इसको वाटर इंपैक्ट नहीं मारूंगा मैं टोटली। ये जीमो भी वाटर इंपैक्ट काम नहीं कर रहा। हाँ काम नहीं कर रहा, मैंने कोशिश किया, मुझे लगा था कि होगा नहीं उस पर वो एबिलिटी, लेकिन था। चलो ठीक है भाई, 32,000 HP, बाप रे एक बार में खला। ओ भाई ये लेकिन ग्रोडन देख के ना मैं इंप्रेस्ड हूँ भाई, क्या बात है यार, अच्छा पैसा का सही यूज़ किया भाई इसने, सही बता रहा हूँ यार। ये पोकेमोन सब नहीं चलाया पैसा मतलब लगा करके, तो क्या ही किया। ऑलराइट तो बस अब गेम तो खलास ही है भाई। आज की वीडियो तुम लोगों को कैसे लगी ज़रूर बताना। मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो पे।